गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, हैव अ नाइस डे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो और अपने अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। मेरा नाम श्री है और मैं डिजिटल फिलोसफी की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो आज सुबह की शुरुआत हुई थी मेरी 4:30 बजे और बस अभी मैं नहा के पूजा करके और मैं अपने स्टडी का फर्स्ट स्लॉट करने के लिए आ गई थी और अभी बज रहे 6। देखिए, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा कि घर पर रह के कैसे पढ़ाई करें, इसके बारे में आप कुछ बताइए। सो, मैं घर पर रह के ही पढ़ाई करती हूँ तो इस बारे में आपको इजीली बता सकती हूँ, क्योंकि मैं बाहर रूम लेके नहीं पढ़ती हूँ, मैं अपने घर में ही पढ़ती हूँ। देखिए, सबसे पहली एंड ज़रूरी बात कि चाहे तो आप रूम लेके पढ़ाई करो, चाहे आप घर पर रह के पढ़ाई करो, आपको अपने आप से कंपटीशन करना होगा और हर दिन खुद को बेहतर बनाना होगा। किसी और से कंपटीशन मत करो, बिल्कुल भी मत करो। चाहे तो आप अगर हॉस्टल में रह रहे हो, कोई रूममेट है तो उससे भी मत करो। चाहे आप कहीं भी रह रहे हो, दोस्त है आपका, तो उससे भी कंपटीशन मत करो। कंपटीशन अपने आप से करो और जिस दिन आपने ठान लिया ना कि बस इस बार तो मुझे जॉब लगना ही लगना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसके बाद में तो चाहे आप घर पे रहो चाहे रूम लेके रहो, उससे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सो सबसे पहली बात कि जैसे कि मैं घर पे रह के पढ़ाई करती हूँ तो मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि जब घर वाले उठें उससे पहले मेरा एक जो फर्स्ट स्लॉट है वो पूरा हो जाना चाहिए और मेरा जो अदर काम है वो हो जाना चाहिए। मतलब कि मुझे अपने लिए 1 घंटे का टाइम चाहिए और उसमें मैं आराम से अपना जो डेली रूटीन है वो सेट कर लेती हूँ। जैसे कि मेरे घर पे मोस्टली 6 बजे ही उठते हैं। अगर मेरे पापा को जल्दी स्कूल जाना होता है तब वो सुबह जल्दी उठते हैं 5:30 बजे और सबसे पहले मेरी मम्मी उठती है, वो वॉक पे जाती है तो कभी वो 4:45 बजे कभी 4 बजे उठती है। इसके अलावा हमारे घर में कोई 6 बजे से पहले बिल्कुल भी नहीं उठता। तो आप भी ये देखिए कि आपके घर में जो लोग हैं वो कितने बजे उठते हैं, उससे करीब 2 घंटा पहले, और अगर 2 घंटा नहीं तो कम से कम 1 घंटा पहले जरूर उठें। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपको और भी जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में आपको भी पता है कि जब बच्चे उठ जाएंगे तो उसके बाद में आपसे कोई और काम होगा ही नहीं। तो बेहतर यही है कि आप ये डिसाइड करिए कि जितने बजे घर वाले उठते हैं उससे 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा तो ज़रूर आप पहले उठें। और उस टाइम अगर आप ससुराल में रहते हैं तो आपको मतलब कि पहले अपना पढ़ाई वाला रूटीन कर लेना चाहिए। अगर आप इन-लॉज के यहाँ हैं तो आपको 1 घंटा 1.5 घंटा आपको पढ़ लेना चाहिए, और अगर आप पीहर में हैं या फिर जो अनमेरिड हैं उनके लिए तो और भी मतलब कि अच्छी बात होती है। सो जो अनमेरिड हैं या फिर जो अपने मम्मी के यहाँ रहते हैं तो वो है, अगर उनको काम करना होता है जिनके यहाँ भाभी नहीं होती, जैसे मेरे भाभी नहीं है, मुझे मम्मी की हेल्प करनी होती है, मैं पहले वो काम कर लेती हूँ जो मेरा काम है, जो मुझे पता है कि हाँ ये मेरा काम, उसके लिए मुझे बार बार कोई नहीं बोलता, मैं वो फटाफट कर लेती हूँ। तो आप बेसिकली आप ये कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास पहले लड्डू गोपाल नहीं थे तो उस वक्त जो है वो मैं पढ़ाई को टाइम देती थी, उस वक्त मैं ये पूजा वूजा कम ही करती थी, मतलब उस टाइम मेरी दादी जी ही करती थी या फिर कोई भी कर लेता। लेकिन अब जब मेरे पास लड्डू गोपाल है तो मैं पहले पूजा करती हूँ, और अगर आपके पास नहीं है, आप पूजा वूजा इतनी नहीं करते तो आप सीधे आप पढ़ाई करने लग जाइए। अगर आप सुबह 1-1.5 घंटा पढ़ लेते हैं ना तो मतलब आपको ऐसा लगेगा हाँ आज की दिन की जो शुरुआत है ना वो मेरी बहुत ही अच्छी हुई है। सो जब मैं सुबह 2 घंटे पढ़ाई कर लेती हूँ उसके बाद में ही मैं किचन में जाती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और ब्रेकफास्ट करीब मेरा बनता है कभी 8:30 बज जाते हैं तो कभी 9 बज जाते हैं, और बस ब्रेकफास्ट बनाते बनाते ही मैं लंच की भी प्रिपरेशन यहीं से कर लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि फिर मतलब जब यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं ना तब हमारे पास टाइम मिल जाता है, जैसे मसाला पकता है ना, जब मसाला पकता है तो उतनी देर में मैं आटा लगा लेती हूँ, और अगर बर्तन पड़े रहते हैं तो वो भी मैं उसी वक्त साफ करके छोड़ देती हूँ। और ब्रेकफास्ट के जो बर्तन होते हैं ना वो फिर मैं लंच टाइम में ही साफ कर दूँ, या फिर उससे पहले अगर मम्मी किचन में आ जाती है कोई काम से या फिर मम्मी कर देती है तो कर देती है, अदरवाइज मैं ही करती हूँ। मैं वो बाद में ही करती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं लंच की प्रिपरेशन जरूर करती हूँ क्योंकि बाद में मुझे सीधे रोटी बनानी होती है
कभी कभी ऐसा होता है कि मैं लंच की प्रिपरेशन नहीं करती, कुछ और ज़्यादा काम हो जाता है, तब फिर मैं लंच बनाती हूँ। उस टाइम ही मैं आटा लगाती हूँ और उस टाइम ही फिर मैं सब्जी बनाती हूँ। नहीं तो फिर मैं क्या करती हूँ कि पहले अभी मैं आटा लगा के छोड़ दूंगी ब्रेकफास्ट के टाइम ही, तो फिर मुझे बस आके फटाफट रोटी बनानी होती है। सो आप भी जो घर के जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, उसमें से आप टाइम निकालिए कि अगर 2 घंटे का जो काम है ना, वहाँ से आप उसको ऐसा काम करिए कि वहाँ से आपको 1 घंटा मिल जाए, और वो जो 2 घंटे काम है ना, वो आप 1 घंटे में फिनिश करिए। क्योंकि क्या है ना कि कुछ टाइम तक, अब 2-3 महीने जो रही है ना एग्जाम के, सो इन 2-3 महीनों के लिए आप है ना, मतलब ज्यादा डेप्थ में आपको साफ सफाई करने की जरूरत है। देखो काम तो हमें जिंदगी भर करना है, ठीक है, अगर जॉब भी लग जाएंगे तो भी ये सब काम को तो हमें करना ही होता है। और कुछ है जो मतलब जो मेरे जैसे वो कुकिंग करना पसंद भी करती है। सो जो भी है, मतलब आप ये सोचिए कुछ टाइम 2-3 महीने तक अगर हम ये काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं और ज़्यादा हम इसमें टाइम ना दे, अपनी पढ़ाई को टाइम दे, तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखिए काम करना है ज़रूरी भी होता है, और जो स्पेशली जो इन लॉज क्या रहती है, मतलब कि जो ससुराल में रहती है, उसके लिए तो मतलब बहुत ज़्यादा ये सब काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, और ब्रेकफास्ट के साथ ही मैंने लंच की प्रिपरेशन भी कर दी थी। मैंने आटा लगा के छोड़ दिया था, दाल भिगो के छोड़ दी थी, ताकि मुझे लंच बनाने में ज़्यादा वक्त ना लगे। और अभी मैं आई थी कपड़े सुखाने के लिए, और ब्रेकफास्ट करते करते मैंने हाफ आवर्स में मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली थी, और बाकी जो एनसीईआरटी है 1.5 घंटा मुझे और लगेगा, सो वो मैं कपड़े सुखाने के बाद में वो पढ़ाई करूँगी। तो कपड़े सुखाने आए तब देखा बहुत सुंदर सुंदर फूल आए हुए हैं। सो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए, और आज मुझे सिर्फ रोटी बनानी है, और दाल मेरी भिगोई हुई थी तो मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। देखिए जितना हो सके ना आप इन 2-3 महीने सिंपल खाना बनाइए, क्योंकि आपको भी टाइम मिल जाएगा पढ़ाई के लिए, और देखिए बाद में तो आपको ये सब करना ही है, तो आप बेहतर यही है कि आप इन दिनों जो है वो थोड़े सिंपल तरीके से काम करना शुरू कीजिए, और ज़्यादा जो साफ़ सफाई होती है, जो ये जो काम होते हैं, वो अभी डेप्थ में मत करिए, आप नॉर्मल करिए। क्योंकि डेप्थ में करते हो ना तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, फिर आप थक भी जाते हो, जब थक जाते हो ना फिर पढ़ने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। कहते हैं ना कि इंसान की आदतें ही उसके जीवन को सुधारती है, और इंसान की आदतें ही उसके जीवन को बिगाड़ती है। तो हमने अपनी आदतें ही ऐसी बना ली हैं, फिर उसका जो ब्लेम है ना हम दूसरों पर डाल देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि घर का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है इसलिए हम नहीं पढ़ पाते, बाहर हम जा नहीं सकते इसलिए हम पढ़ नहीं पाते। कुछ कहते हैं नहीं हम ससुराल में रहते हैं तो इतना टाइम नहीं मिलता। देखिए टाइम मिलता किसी को नहीं है, सबको 24 आवर्स ही मिलते हैं, पर उस 24 आवर्स को अपने लिए हम कितना टाइम निकालते हैं वो अपने आप पर है। तो आप अपनी आदतों को थोड़ा सुधारिए, जैसे कि अगर आप 6 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, तो उससे 10 मिनट हर दिन, 10 मिनट ही कम से कम, 10 मिनट तो आप पहले उठिए। अगर 1 घंटा पहले उठ जाते हैं तो वो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन 10-10 मिनट करके उठेंगे ना तो आपको 1 घंटे की भी आदत हो जाएगी। और फोन से थोड़ी दूरी बनाइए। इनफेक्ट मैं तो ये कहती हूँ कि इन 2-3 महीनों तक है ना आपने सारे सोशल अकाउंट्स जो है ना वो आप बंद कर दीजिए। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप किसी की फोटोज लाइक नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर 2-3 महीने तक आप पोस्ट नहीं करें, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। जिस दिन आप कुछ बन जाओगे ना, उस दिन जब आप अपनी फोटो पोस्ट करोगे ना, तब फर्क पड़ेगा लोगों को, और स्पेशली उन लोगों को जो हर वक्त ये चाहते हैं कि आप कभी जीत ही ना पाओ, आप हमेशा वही रहो जो आज आप हो। मतलब आज आप अगर आप कुछ भी नहीं है ना, बस आप वही रहो। देखिए 99% गलती इंसान की खुद की होती है, 1% गलती जो होती है ना वो अदर पीपल की होती है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि घर का एनवायरनमेंट सही नहीं है तो हम पढ़ नहीं पाते घर पे, और बाहर हमें कोई भेजता नहीं है, बाहर हम जा नहीं सकते। देखिए एनवायरनमेंट कहीं का भी अच्छा नहीं होता, वो हमें खुद को बनाना होता है। जब मुझे पता है कि मुझे इस वक्त 2-3 महीने जो है ये मुझे पढ़ना है, तो मुझे खुद को अपना एनवायरनमेंट जो है वो बनाना है, और मैं वो मैंने बनाया है वो कि 2-3 महीने तक मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट किया है कि इतने इतने टाइम मुझे अपना घर का काम को देना है। देखिए घर का काम भी ज़रूरी होता है, स्पेशली जब मम्मी अकेली हो तब तो और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो हालांकि मैं पूरा काम नहीं करती, मैं हाफ करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ। लेकिन वहां से मैं 1 घंटे काम में आधे घंटे में, और 2 घंटे काम में 1 घंटे में करती हूँ।
क्योंकि मुझे वहाँ से टाइम निकालना होता है अपने लिए। तो अपनी आदतों को सुधारिए, ये नहीं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि चलो इतना काम कर लिया अब कुछ देर आराम करके फिर पढ़ाई करने बैठेंगे, तो वहाँ अगर आप कुछ देर सोचते हैं तो वहाँ अगर आधा घंटा सोचते हैं तो आधा घंटा ही करो, उसको 45 मिनट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उस 1% नेगेटिव पीपल से तो आप बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि वो आपको डिमोटिवेट करने में ही लगे रहते हैं, फिर वो चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे आपके घर पे हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई भी इंसान हो, उससे आप दूर रहिए। देखिए, मैंने अपने हिसाब से आपको टाइम मैनेजमेंट बताया, मैंने अपने घर के एनवायरनमेंट के हिसाब से, आप अपने घर के हिसाब से अपना टाइम टेबल जो है वो बनाइए और हर दिन उस रूटीन को आप फॉलो कीजिए। देखिए, 2-3 महीने हैं आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 2-3 महीने। आप सोच सकते हो कि इन 2-3 महीनों में आप अपनी ज़िंदगी को आप संवार भी सकते हो, तो अपनी ज़िंदगी आप जैसी है वैसे आप जी भी सकते हो, लेकिन उससे किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको खुद को ये ज़िंदगी पर मलाल रहेगा, जब ये एग्ज़ाम पास आ जाएंगे तब आप सोचोगे काश कि मैं उस टाइम अपना टाइम टेबल बना लेती तो आज एग्ज़ाम देते वक्त मुझे नर्वस फील नहीं होती और मेरा एग्ज़ाम अच्छे से जाता। देखिए, जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, उस दिन आप ये ज़रूर सोचोगे, जिसने भी पढ़ाई पहले नहीं की है वो ये ज़रूर सोचेगा। सो ये जो वक्त है ना, ये यू वर्सेज यू है, ये मानो आप, ये किसी और से कंपेयर मत करो, अपने आप से कंपेयर करो। सो जैसे भी है, हर दिन अपना एक टाइम टेबल बनाइए और बस इन 2-3 महीने तो आप ज़रूर बनाइए, और ज़्यादातर वक्त हो सके उतना अपनी पढ़ाई को दीजिए। और अगर जो इन-लॉज़ क्या रहते हैं तो देखिए, कुछ बातें आप इग्नोर जरूर करिए, क्योंकि अगर आप इग्नोर नहीं करोगे तो आपके दिमाग में रहेगी और फिर आप पढ़ाई पे इतना फोकस नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है कि कुछ दिनों में कोई पढ़ले नहीं आ जाएगी, आप आराम से बस अपनी पढ़ाई को ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि ये जो वक्त है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली आपके लिए जो मतलब ये चाहता है, उन सब के लिए जो ये चाहता है कि मेरी ज़िंदगी जो है आज से 2-3 साल के बाद में वो बहुत अच्छी रहे। सो अगर आप यही सोचते हो तो अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे और अपना जो स्टडी रूटीन है उसे आप बेहतर तरीके से बनाइए और उसे जरूर फॉलो करिए। कोशिश ये करिए कि दिन में 6-7 घंटे तो आप पढ़ाई करें ही करें, चाहे वो आप कैसे भी टाइम निकालें अपने लिए, पर आपको अपने लिए निकालना ही होगा। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपकी जो भी क्यूरीज है वो आप मुझे बताइए, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव।